लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद 1 जून को ही एग्जिट पोल आने हैं। सियासी दलों के साथ ही आम लोगों की भी इस पर खास नजर रहती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा फैसला लिया है उससे पूरा देश हैरान हो गया है। 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों ने 1 जून को होने वाले अंतिम दौर के मतदान से ठीक पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल का हिस्सा न बनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ऐसी बहसों से कोई सार्थक नतीजे सामने नहीं आते। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद देश की जनता का जनादेश सामने आएगा, पार्टी इसे स्वीकार करेगी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को 7 स्टार करार दिया। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के पलों को कैद करने के लिए अलग अलग कैमरे लगाए गए थे। देश में 7वें और आखिरी दौर के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी। चुनाव खत्म होने से पहले ही पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। विवेकानंद रोक मेमोरियल में पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री यहां 1 जून तक ध्यान में रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमारे जो प्रधानमंत्री है जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने मैं से अपना प्रचार रखा, मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन, मुजरा बीच में आया, माफ कर दीजिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों के चैनल पर मेडिटेशन बताया, अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए था, वो पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान कभी लाइव मेडिसिन नहीं सुनी है। आपने नौ कैमरा लगे हुए हैं, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं, मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी, 3 दिन 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए, उनके पर्यटक नहीं आएंगे, जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं वो कमरे खाली, 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। इससे पहले गुरुवार 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर कहा जाता है। भगवा कपड़े पहने और हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़े हुए पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने अंदर ध्यान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अलग अलग चरणों में अलग अलग मतदान हुआ है। पहले 3 चरणों में मतदान 2019 के चुनावों की तुलना में थोड़ा कम रहा, हालांकि 4थे चरण में 69.16% मतदान हुआ जो पिछले चुनाव से थोड़ा ज्यादा है। 5वें चरण में 8 राज्यों में 62.20% पात्र मतदाताओं ने वोट डाले। इसके बाद 6ठे चरण में 63.36% मतदान हुआ। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।